गाइस आप देख सकते हैं मैं ऑलरेडी एक आई का स्ट्रक्चर बना लिया हूँ, आउटलाइन सी ड्रॉ किया। इसको बनाने में मुझे हार्डली 20 मिनट्स ऐसा लगा जस्ट आप। इसके बाद तो स्केचिंग करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो आईरिस का है, आईरिस के अंदर से स्टार्ट करूँगा। ये पोर्शन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, या यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं मगर इस अंदर से करेंगे। तो चलिए लेट्स गो। हम मैं जो पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ आप लोग को बोल देता हूँ, मैं ब्रूस्टो कंपनी का 10B यूज़ कर रहा हूँ। बी है 5B और 3B। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बी ले रहा, बी से मैं इसका ये पोर्शन स्टार्ट कर रहा। तो चलिए अभी वी पेंसिल यूज़ कर रहा मैं, जो लाइट पेंसिल होता है उसको यूज़ कर रहा एक हल्का सा सेटिंग करने के लिए। आई ब्लेंडिंग ब्रश से इसको ब्लेंडिंग कर रहा, उससे थोड़ा सा डार्क पेंसिल 3H है उससे और एक बार सेटिंग कर रहा इसको थोड़ा सा डार्क करने के लिए, क्योंकि ये पोर्शन डार्क होता है। आपको वाइट लगता है मगर ये देखिए, और एक बार ब्लेंडिंग कर रहा। अभी इस पोर्शन पूरा डार्क कर लिया 9B पेंसिल से, और जो व्हाइट पोर्शन उसको व्हाइट ही रखेंगे तो हाईलाइट समझ में आ जाएगा। ये पोर्शन लिटरली डार्क था इसलिए मैं डार्क कर रहा है इसको। देखिए इसको डार्क कर रहा है मैं, और साइड वाला पोर्शन तो थोड़ा सा डार्क ही होता है लाइट के लिए, वहाँ पर लाइट नहीं आता इसलिए वहाँ पर डार्क होएगा थोड़ा सा। ये पोर्शन के लिए 5B यूज़ कर रहा है क्योंकि आईरिस के आसपास जो वहाँ पर डार्क होता है। और ये एक हाईलाइटर पेंसिल है अप्सरा से, 20 रुपीज़ का है, बहुत चीप है, आप लोग इसको खरीद सकते हैं। यहाँ पर हाईलाइट थोड़ा सा हाईलाइट आएगा, उसके ऊपर से मैं थोड़ा सा स्केच कर रहा हूँ जितना हो सके। आउटलाइन करिए 5B का, आँखों के अंदर होता है ना वो चीज़ कर रहा हूँ मैं। ऊपर वाला पोर्शन डार्क था इसलिए मैं 9B से पूरा इसको डार्क कर दिया। आप लोगों को ये पोर्शन व्हाइट लगता है मगर ये व्हाइट नहीं होता है, इसलिए जितना हल्का पेंसिल होगा उतना अच्छा है, जितना हल्का पेंसिल। आई ब्लेंड कर रहा ब्रश के साथ, मैं और एक लेयर यूज़ कर रहा अपर पोर्शन में। ये पोर्शन थोड़ा सा डार्क है रेफरेंस इमेज में। ब्लेंडिंग करते जाइए, और मैं रिकमेंड करूँगा लाइट शेड से डार्क शेड में जाइए तो इसमें जो पिक्चर है उतना रियलिस्टिक आता है। और प्रेशर का यूज़ मत कीजिए, नॉर्मल प्रेशर यूज़ कीजिए से स्केचिंग करने के लिए जितना हो सके। ऑटोमेटिक आप लोग लेयर करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो डार्क हो जाएगा, उसका चिंता मत कीजिए। अभी जहाँ पर डार्क था जहाँ पर लाइट है उसको मैं मॉडिफाई कर रहा, ये पोर्शन थोड़ा सा डार्क है इसलिए 5B से वहाँ पर एक अंडरलाइन करके अभी B पेंसिल से उसको कर रहा स्केचिंग। अभी इसको ब्लेंडिंग कर रहा टिश्यू पेपर से, देख सकते हैं ब्लेंडिंग स्टाफ भी तो बीच बीच में काम आता है, मगर जितना कम हो सके ब्लेंडिंग स्टाफ को कम यूज़ कीजिए क्योंकि ग्राफाइट का जो मार्कस होता है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। आप लोग जितना यूज़ करेंगे लार्ज पोजिशन में ब्लेंडिंग स्टम्प को, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा हल्के ब्रश से कीजिए, बार्ड से कीजिए, यार का बार्ड वो अच्छा होता है। और एक लेयर आएगा यहाँ पर, अभी ऊपर वाला पोर्शन है अभी डार्क है थोड़ा, इसे डार्क करूँगा मैं, देखते जाइए। ब्लेंडिंग कर रहा है इसको,
मैं भी इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ एक्सपीरियंस करने के लिए कैसा होता है। आप भी कर सकते हैं, ऐसा मेथड यूज़ कीजिए, अच्छा होगा। स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और आईब्रोज जितना अच्छा होगा उतना अच्छे से कीजिए। इसे पूरा आँख का रियलिस्टिक आ जाता है इसका, ये करने से। पहले मैं थोड़ा सा लाइट पेंसिल यूज़ कर रहा, 3H पेंसिल से इसको मार्क करके, उसके बाद मैं जितना डार्क पेंसिल हो उसको करिए। अभी देखिए नीचे वाला पोर्शन को ब्लेंडिंग कर रहा, यह पर थोड़ा सा डार्क था ये पोजिशन। और सॉरी बीच में मेरा हाथ आ गया, इसके लिए सॉरी, फेस आ गया, क्योंकि मैं आज बोर्ड यूज़ कर रहा था। ये ड्राइंग करने के लिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 1 घंटे में पूरा स्केचिंग कंप्लीट कर लिया। नीचे वाला जो पोर्शन है उसको मैं हाईलाइट कर रहा, अभी भी वो लाइट वाला पेंसिल यूज़ कर रहा, 3H पेंसिल। उसके बाद 9 भी यूज़ करूँगा उसको डीप करने के लिए। देखिए डीप किया मैंने ऊपर वाले भी, नीचे वाला थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए। यहाँ पर, यहाँ पर थोड़ा सा डार्क पोर्शन होएगा। आई फिनिशिंग वर्क कर रहा हूँ, जो आई के अंदर जो वेंस होता है उसको मैं वापस वो कर रहा, तो इसमें बहुत रियलिस्टिक आता है। और भी अभी देखिए मैं डीप स्केचिंग कर रहा, धीरे धीरे लाइट से डीप कर रहा, जो आपको पहले बोला मैं। ये मेथड यूज़ कीजिए, ऑटोमेटिक आ जाएगा। और आप लोग कमेंट करके बताइए कितना रियलिस्टिक आया। ये पोर्शन को और एक बार ब्लेंडिंग कर रहा, जितना ब्लेंडिंग हो सके कीजिए, क्योंकि स्किन का टेक्सचर है इसमें। तो गाइस ये ड्राइंग अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए ये वीडियो को। तो गाइस ये वीडियो कैसे लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो के एक लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ। एक सब्सक्राइब करके जाइए प्लीज़, ये फ्री में है। तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, नहीं तो मत करिए, ये टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है। तो कमेंट करिए जितना हो सके, ये कमेंट में लिखिए ये ड्राइंग पहले आप किया है या नहीं, जो बिगिनर आर्टिस्ट है। और मैं ये ड्राइंग मेनली किया हूँ बिगिनर आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि मैं भी एक बिगिनर यूट्यूबर हूँ, सो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा। आप लोग कमेंट करके बताइए अच्छा हुआ या नहीं, कहाँ पर गलती हुआ तो मुझे पता चल जाएगा। तो देखते रहिए मेरे चैनल पोर्ट्रेट साइंस। तो आज यही तक, फिर मिलता और एक वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ बी हैप्पी, गुड बाय।